मीछो मीछो मीछो, हाँ जी मीछो। नमस्कार दोस्तों, मीछो पिंकी गुसाई उत्तराखंड बटे की, और मेरा नाम च पिंकी गुसाई, अम्मी रहें उत्तराखंड। मीछो मीछो, हाँ जी नमस्कार मित्रों, मीछो पिंकी गुसाई। हाँ हाँ, सीधे की सीधे की सीधे की, दबाओ दबाओ दबाओ, हाँ इन दबाओ, हाँ इन, हाँ दबाओ दबाओ दबाओ, और जबरदलक सिर्फ घंटा नहीं दबल, तबरदलक मेरे वीडियो आप तक सबसे पहले नहीं पहुंचन, तो से घंटे तक पहल दबा दिया होती तो सर नोटिफिकेशन सर वीडियो मेरी पिंकी गुसाई की आप पास पहुंच जाली। सो धन्यवाद, और सब्सक्राइब भी कर लिया वो आप की गांव के लौड़ी छौमी, उत्तराखंड के लौड़ी छौमी। आपका ना डिमांड हुआ है भाई कि मैं घर वाले बोलो, माँ की कसम, कसम से यार टीवी बजने चाहते घर में काम हो चार। तो मैं स्वागत कर दूछो अपने चैनल में। सो दोस्तों, जो आज का वीडियो है, मैंने शॉल अलग अलग टाइप से वेयर किया है, सो आपको जो भी पसंद हो आप उसको कैरी कर सकते हैं, और एक जस्ट लुक बताया है कि किस तरीके से हम ले सकते हैं और किस तरीके का ये दिखेगा ऐसे लेने पे। सो चलिए वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। चल सो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे आपके पास कोई भी शॉल होगा तो उसकी हम प्लेट्स बना लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं ऐसे हाफ शॉल में हम प्लेट्स बना लेंगे, और उसको हम साड़ी के अंदर डाल देंगे अच्छे से, जैसे आपको एडजस्ट करना है। यहाँ पे आप अपना अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए, मैंने तो कर लिया है। और पल्ले के नीचे से हम पूरा ढक लेंगे, जैसे कि सर्दी हमको बचानी है, सो अच्छे से मैंने कवर कर लिया है इसको, क्योंकि मुझे सर्दी बचानी है पार्टी में। सो ऐसे हम इस शॉल को पूरा ओढ़ लेंगे, और इसके ऊपर से हम अपना पल्ला इस तरीके से ले लेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे दोस्तों, और ये लुक रेडी है। सो कैसा लग रहा है, बैक से भी देखिए, अच्छा लुक आता है। और इसके ऊपर से दोस्तों, मैंने विंटर ब्लाउज वियर नहीं किया है, मैंने अपना ही सिल्क का ब्लाउज डाला है। आप इसमें कोई भी हाई नेक वियर कर सकते हैं, सिल्क साड़ी है या जो भी आपके पास साड़ी है, उसके अकॉर्डिंग आप हाई नेक या फुल स्लीव्स का कुछ भी वेयर कर सकते हैं। सो अच्छा लग रहा है, नॉट बैड। सो स्टाइलिश थोड़ा लगता है, और हमारी ठंड भी बच जाती है। और सेकेंड लुक के लिए दोस्तों, पूरा शॉल हम ऐसे पूरा फैलाने के बाद इसको एक बार फोल्ड करेंगे, देख पा रहे हैं जैसे आप, ये मैंने फोल्ड कर लिया है अच्छे से। पहले मैं ले रही हूँ इसको, इसको मैंने फिर फोल्ड किया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोनों कोनों को मैंने मिला लिया है। और मिलाने के बाद ये हमारा पहला फोल्ड हो गया शॉल, और इसके बाद हम एक बार फिर से इसको ऐसे ही फोल्ड करेंगे बराबर, बिल्कुल जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये फोल्ड करने के बाद इसको हम किसी भी ब्रॉच से, पिन से सिक्योर कर लेंगे, जहाँ से शॉल खुला हुआ है दोस्तों। यहाँ से मैं दिखा भी रही हूँ कि यहाँ पे शॉल खुला हुआ है, बंद साइड से नहीं करना है, यहाँ से करना है। सो यहाँ पे हम एक पिन लगा लेंगे, और फिर इसके बाद जो शरग का लुक आने वाला है, ये मेरा बेस्ट लुक था, मुझे अच्छा लगा ये पहनने के बाद, आप देखना कि कैसा लग रहा है। और इसको हम अपने जैसे हमारी कुर्तीज़ होती है वुलन्स की, उसमें भी वियर कर सकते हैं। सो इसका बहुत ही अच्छा डिज़ाइन आता है। तो यहाँ पे जो पहली बार बनाएगा, ऑनेस्टली से बता दूँ कि यहाँ पे थोड़ा उसको होगा कि कहाँ गया, मैं हाथ कहाँ डालूँ, लेकिन जब आप ट्राई करेंगे, आप खुद से बनाएंगे इसको, तो मैं बोलूँगी कि एक बार ज़रूर बनाना, तो ये आपको दोनों हाथों के छोर मिल जाएंगे। सो जैसे मुझे मिल गए हैं, और ये देखिए दोस्तों,
ये तैयार है, हमारे हैंड्स दोनों राइट लेफ्ट और इसको डाल देंगे फिर अच्छे से हम हाथों को। तो पहली बार जो करेगा तो उसको थोड़ा मतलब देखना पड़ता है। तो ये हमारा सेकंड लुक रेडी है। सो बताना दोस्तों कौन सा लुक आपको ज़्यादा अच्छा लगा, और मुझे तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। सो आप भी बताना। और दोस्तों ये जो थर्ड लुक है ये बना बुना है, एक ब्रॉच जिसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आजकल ऐसे स्टॉल्स आ रहे हैं, इसको हम अपनी साड़ी में, अपनी कुर्तीज़ में, अपनी जीन्स में, हमारा जिस पे मन हो हम इसको वियर कर सकते हैं। सो लुक अच्छा आता है आप जैसे देख रहे हैं। सो आपको अगर अच्छा लगे तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एंड ज़्यादा मैं बना नहीं पाई वीडियो आगे, सो इतना ही मैं बना पाई। और वीडियो अगर दोस्तों थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपना प्यार सा कमेंट्स करें, और अगर अच्छा लगा हो और ज़्यादा तो शेयर भी कर सकते हैं। सो आपकी बड़ी कृपा होगी। और चलिए अभी मैं अलविदा लेती हूँ। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और थोड़ा सा वीडियो बचा है आगे, आप उसको देख सकते हैं। सो एक्चुअली मैं बहुत ही जल्दी में थी तो बस इतना ही लुक क्रिएट कर पाई, आगे मुझे बनाना था लेकिन बना नहीं पाई हूँ। सो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों यहाँ पे खड़े होके मुझे ऐसे स्टाइल में खड़े होके मुझे हम दिल दे चुके सनम की याद आ रही थी। हम दिल दे चुके सनम, बाय बाय दोस्तों।